गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, अभी निकला हूँ अंटाफिल से और सुबह सुबह निकला हूँ। अभी सुबह की टाइमिंग कर दिया मैंने, सुबह 7:30 बज रहा है अभी, और अभी जा रहा हूँ काम पे। सुबह का बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि मौसम बहुत बेहतरीन रहता है, ठंडा रहता है मौसम। सो आज से स्टार्ट करता हूँ सुबह की, और भी जल्दी जाना है बट थोड़ा आज लेट हो गया है, फजर के बाद निकलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी यहीं से। तो दोस्तों अभी निकला हूँ मैं मार्केट में, बट मार्केट लगी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था यही मार्केट थी लास्ट वाली वीडियो में, बहुत ही हालत ख़राब है। पहले ऐसी नहीं थी, पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई। ये देखो गुलशन बगदाद मदरसा है, पहले यहाँ कचरा कुंडी थी, अब वो मदरसा बना दिए हैं यहाँ पे। ये देखो एंटाफिल का एरिया है, जोड़पट्टी का एरिया है। अभी धीरे धीरे मार्केट लगा रहे, सब सब्जी वगैरह साफ कर रहे हैं, साफ करके लगाएंगे ये सब पूरा एरिया। जो है शाम के टाइम फुल हो जाएगा, चलने की जगह नहीं रहेगी। अगर मैं आज शाम में नहीं गया काम पे तो दिखाऊंगा आप लोगों को, ये पूरा मार्केट पूरा फुल हो जाती सब्जी से। ये साइड में देखो चिकन की दुकान है, सारे मतलब हर टाइप का जो घरेलू सामान है सब मिलेगा यहाँ पे। ये आगे जाएंगे तो करबला मस्जिद आएगी, बहुत पुरानी मस्जिद है, यहाँ की फेमस मस्जिद है ये। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे की तरफ, गाड़ी वहीं पे आने वाली है, फिर वहाँ से गाड़ी लेके भिवंडी जाना है, प्राइवेट भाड़ा है। क्योंकि जो पेट्रोल पम्प है वो साइड में है, और वहाँ से पेट्रोल सीएनजी भरा के फिर ये साइड आएंगे, फिर यहीं से मैं सीधा निकल जाऊँगा भाई खल्ला मसीना हॉस्पिटल, वहाँ से लेके जाना है। और धूप बहुत है, ये बाहर आने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है, दूर है यहाँ से। सो गाइस अभी मैं पहुँच रहा हूँ हाईवे पे, बहुत लेट हो रहा है क्योंकि जाना है उसको, जल्दी जाना है। और पहले यह कच्चा रास्ता था यहाँ से, ये एरिए के जो MLA है उसने बना के दिया शॉर्टकट में निकलने के लिए, पहले रास्ता था ही नहीं यहाँ पर, कचर कुंडी थी सिर्फ। और मुझे रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा क्योंकि वो साइड में है गाड़ी और ये हाईवे है। क्योंकि अगर ये साइड गाड़ी लेके आते तो वापस यू टर्न लेना पड़ता, और ये बहुत फास्ट हाईवे है, यहाँ ज़रा सा चूक हुई तो एक्सीडेंट होना पक्का है। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था यहाँ का, ये हाईवे भी दिखाया था पीछे, ये देख लीजिए पीछे का जो अजमेरा टावर है वो दिखाया था, जो पठान मूवी का जो ब्लॉग बनाया था तो उसमें यह हाईवे दिखाया था, क्योंकि यहीं से गए थे वो थिएटर, जो IMAX थिएटर है वही साइड में है। और वो देखो ये जो फ्री वे दिखाया था मैंने, कि लास्ट वीडियो में दिखाया था कि फ्री वे, ये अभी यही साइड मुझे जाना है, तो वेट कर रहा हूँ यहीं पे गाड़ी का। अभी वो भाई साहब CNG भरा के आए नहीं, देखते हैं अभी। सो गाइस अभी मुझे गाड़ी मिल गई है, बट जो भिवंडी जाना था वो कैंसिल हो गया भाड़ा, अभी उनको वड़ाला ही छोड़ना पड़ेगा, अभी तो जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं नवी मुंबई और सुबह के 8 बज रहे हैं, जो मैं कल रात में घर पे गया नहीं था। गाइस अभी कोपर खैरने से बुकिंग आई थी मेरी, और ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे पनवेल के पास। अभी यहाँ से दूसरी बुकिंग आई है मंडई करके कोई है नवी मुंबई में, बट पूरा एड्रेस नहीं आया था। सो अभी यहाँ से पिकअप करके जाता हूँ मैं, और ये पूरा पनवेल का एरिया है, यहाँ पे हर चीज़ सिस्टम वाइज है। सो अभी जा रहा हूँ मैं पिकअप करने के लिए, यहाँ से 5 मिनट की दूरी है और पिकअप करके जाएँगे अभी। यहाँ ये साइड में जो है सब टावर का काम चालू है, और अभी चलते हैं पिकअप के लिए, देखते हैं मंडई कहाँ है।
और दोस्तों जो मेरी बुकिंग आई है वो भिवंडी की है, मंडई करके वो थोड़ा आउटसाइड में है, भिवंडी से आगे थोड़ा गांव साइड है वहाँ। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से बुकिंग लेके गया भिवंडी, भिवंडी से फिर मुझे बुकिंग मिल गई थी डायरेक्टली थाने के लिए। सो अभी मैं थाने में हूँ, अभी थाने से बुकिंग आई है, जा रहा हूँ भाईखल्ला वेस्ट, अभी पिकअप करने जा रहा हूँ। मैं हूँ अभी थाने तलाव के पास में। गाइज अभी मैं थाने पिकअप पॉइंट पे आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ मैं भाईखल्ला वेस्ट। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ भाईखल्ला वेस्ट में, जो कि थाने से आया हूँ। यहाँ से लगा करीब एक से सवा घंटा लगा, और अभी यहाँ से पिकअप आया है, माहिम जा रहा हूँ। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ पे भी काफ़ी टावर्स आ गए हैं, और भाईखल्ला वेस्ट में भी बहुत बड़े बड़े टावर हैं यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए सामने कितना बड़ा टावर है, अराउंड ये 35 से 40 से ज़्यादा ही फ्लोर होगा यहाँ पे, 40-45 फ्लोर का होगा ये जो टावर है। और ये जो बिल्डिंग में पिकअप करने आए हैं ये भी काफ़ी बड़ा ही टावर है। और यहाँ पे जितने भी टावर्स आ रहे हैं आजू बाजू में, देखो रीडेवलपमेंट चालू है, यहाँ पे भी टावर ही आएगा, कितना मालिक आएगा पता नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ किंग सर्कल, ये किंग सर्कल है, और मुझे यहाँ से बस लेके जाना है परेल। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 से 25 मिनट है, और वहाँ से आधा घंटा बाद रिटर्न होना है वड़ाला के लिए। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं, यहाँ से परेल जाना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, और यहाँ से बस से जाऊँगा, मुझे पता नहीं कितना नंबर बच जाएगी। मैं हूँ किंग सर्कल जो है वड़ाला, ये माटुंगा के में पड़ता है, भाई बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये है ये गाइस ये BST बस का जो बस स्टॉप है, और यहाँ साइड में लिखा रहता है, बस नंबर लिखा रहता है, बट यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं इसके लिए नंबर मिटा के रखे। यहाँ से दो बस जाएगी, बट पता नहीं कौन सी जाएगी कौन सी नहीं। तो गाइस अभी हम उतर गए हैं प्लाजा, सॉरी दादा टीटी, क्योंकि यहाँ से बस चेंज करना पड़ेगा। माटुंगा से बस नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ से दादा टीटी से चेंज करूँगा, यहाँ से मिल जाएगी बस डायरेक्ट परेल के लिए। मैं ऑलरेडी लेट हूँ बहुत। मैं काफ़ी लेट हो गया, मुझे 3 बजे तक पहुँचना था, बस पहुँच नहीं पाया। फिर भी अभी शायद नंबर होगा तो वहाँ मिल जाएंगे, देखते हैं फिर भी क्या होता है। दादा टीटी पहुँच गया हूँ, ये देख लिया सामने दादा टीटी सर्कल है। ये फ्लाईओवर के नीचे पूरा सर्कल बनाया हुआ है दादा टीटी का, बहुत बड़ा सर्कल है ये भी। और ये दादा टीटी सर्कल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो पहले ट्रम चलता था वो ट्रम का टर्मिनल है ये, यहाँ पे हॉल्ट होता था सारे जो ट्रम चलते थे पहले। रोड के ऊपर पटरी बनी रहती थी रेलवे क्रॉसिंग जैसा के, और उस पर रोड के ऊपर ही रहती थी, उस पर गाड़ी भी चलती थी और प्लस वो ट्रम भी चलता था। तो दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ मैं केएम हॉस्पिटल, ये केएम हॉस्पिटल के बाहर है ये। केएम हॉस्पिटल के बाजू में बच्चू वाली है, वहीं पे जा रहा हूँ, जो लास्ट है 2-3 वीडियो का पहले दिखाया था मैंने आप लोगों को, वही हॉस्पिटल में जाना है क्योंकि अभी घर के एक और सदस्य का ऑपरेशन होने वाला है कान का ही। सो दोस्तों ये है केएम हॉस्पिटल, ये पूरा केएम हॉस्पिटल ही है ये साइड में, ये दूसरी बिल्डिंग है, बट ये साइड में जो ये वाला ये पूरा यहाँ से लेके ये ब्रिटिश के हाथ का बनाया हुआ है, सब स्टोन का ही बना हुआ है पूरा पूरा हॉस्पिटल जितना है।
और इसमें जो हार्ट का है, जो कार्डियक डिपार्टमेंट है, जो हार्ट का ऑपरेशन वगैरह होता है, ये देख ले कार्डियक का जो बिल्डिंग है, ये हार्ट वाला यही है। और ये ऊपर से रास्ता दिया है, ये हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल में जाने के लिए। सो गाइस जल्दी जल्दी में मैं घुस गया था बाजू वाली गली में, वो गली में, ये गली में हॉस्पिटल था, बट मुझे लगा कि वो वाली गली में है, तो जल्दी जल्दी में उसमें घुस गया क्योंकि लेट हो रहा है अभी। मालूम नहीं डॉक्टर आया कि नहीं आया, डॉक्टर तो 2 बजे का टाइमिंग रहता है, गर्दी भी रहती है, बहुत गर्दी होती है।